अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप कैसे हैं? तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेशनल ड्रेस क्या होता है। तो नेशनल ड्रेस आपने देखा होगा कि आजकल जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं या सऊदी हैं, उनके लिए नेशनल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपके पास मोबाइल के ऊपर ऐसे मैसेज आया होगा कि यह नेशनल ड्रेस वाईफाई को होना ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं। तो यह नेशनल ड्रेस क्या है, ये देख सकते हैं आप फ्रेंड कि यह 4 मिलियन पीपल जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने ये रजिस्टर करवाया, और 6 मिलियन लोगों के सऊदी अपने इन्होंने जो है रजिस्टर करवा चुके हैं। तो उसके बाद ये देखें जिप कोड कवर, यानी कि वो जो जो लोग आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं उनके लिए वो 100% यानी कि वो करेक्ट होता है। तो वो जिप कोड के कवर देने के बाद ये देख सकते हैं फ्रेंड आप, ये 100% हो गया है। तो फ्रेंड ये अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको मैसेज आया होगा बैंक की तरफ से, या फिर जो आपके पास फादर जैन एसटीसी या जैन मोबाइल जो भी सिम हो उसकी तरफ से एसएमएस आया होगा कि ये रजिस्टर करना ज़रूरी है। क्यों ना कि 21 अप्रैल के बाद ये अगर रजिस्टर ना हो तो आपके बैंक अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो ये बनाने के बाद या अपडेट करने के बाद आपके जो अकाउंट हैं वो दोबारा अपडेट होंगे। तो फ्रेंड ये ज़रूरी है अगर आप सऊदी में रहना चाहते हैं। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं कि आप ये कैसे बना सकते हैं। तो वेरी इजी है फ्रेंड। तो आपने सबसे पहले रजिस्टर योर एड्रेस टुडे पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसके पर क्लिक करने के बाद आगे पास इसका ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने रजिस्टर इस पर क्लिक करना फ्रेंड, करने के बाद आपने मैनेज योर रजिस्टर एड्रेस जैसे आप बन जाएगा फिर आप यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें न्यू रजिस्टर करना है। ओके फ्रेंड, न्यू रजिस्टर करने के बाद आपने ये कंडीशन वगैरह पढ़ने नहीं है। इसमें ये बताते हैं कि हम आपके लिए, हम जैसे हमारा कोई इशू हो तो हम उसको या सऊदी कोई भी चीज़ होता है आपके पास टेस्ट पहुँच सकते हैं, इसमें यही कंडीशन आप दे सकते हैं। तो मैं ये रजिस्टर में करता हूँ। तो ये फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी लोकेशन डाली है जहाँ पर आप रहते हैं। तो जो मैं यहाँ पर रहता हूँ मैं अभी वो लगा लेता हूँ। तो रीजन में आपने इसको लोकेशन में लॉक करनी है, उसके बाद आपने जहाँ पे आप जो लोकेशन है वो लगानी है। तो मैं अब फिलहाल इसमें आप देखते रहे मैं डाल रहा हूँ। तो मैं दमांग की तरफ रहता हूँ, तो यहाँ पे दमांग लिखूँगा और सिटी, और उसके बाद और ये मैं अपना जो जगह मेरी जहाँ पर मैं बनवा रहता हूँ वो मैं लिखूँगा। तो मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं बिल्डिंग नंबर जो मेरा बिल्डिंग नंबर है मैं वो लिखूँगा, जैसे जहाँ पे जिस बिल्डिंग में रहते हैं मैंने वो लिख दिया फ्रेंड। तो उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, यह लिखने के बाद वो सर्च करेगा कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आपने देख लेना कि हम इसी जगह पर रहते हैं। तो देखें फ्रेंड, अब मैंने वाईफाई कर दिया, तो ये वाईफाई हो गया, ये देखें इसी जगह हमारी लोकेशन है। तो इसने ये लोकेशन वाईफाई कर दी है। तो उसके बाद फ्रेंड आपने नीचे अपना कामा नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना कामा नंबर लिख देता हूँ। तो मेरा कामा नंबर होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे नॉन सऊदी लिखना है, क्यों अगर नॉन सऊदी है। उसके बाद फ्रेंड आपने यहाँ पे चेक करना है जो वेबसाइट है मॉल की गवर्नमेंट की, वहाँ पे अपने कामा चेक करना, क्यों ना कि यहाँ पे एग्जैक्ट डेट चाहिए होगी इसकी एक्सपायरी डेट। मैं यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट एक्सपायरी डेट देख लेता हूँ। तो मैं इसकी एक्सपायरी डेट देख रहा हूँ फ्रेंड। तो उसके बाद ये देखने के बाद इसमें आप देख सकते हैं ये कौन सी डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैं कॉपी कर लिया, तो जहाँ मैंने वही चीज़ डालनी है बिल्कुल वही जो उधर शो कर रहा है, ये देख सकते हैं मैंने। और इसके बाद मैंने दोबारा में देख लेता हूँ, एक फिर गलती हो जाएगी, ये देख सकते हैं फ्रेंड। तो उसके बाद मैंने मंथ लिखने के बाद साल लिखना है जो ईयर्स इस्लामिक हिसाब से के मुताबिक। और उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये बहुत इजी है। तो उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल मांग रहा है, तो ईमेल भी है। उसके बाद में जो नीचे ये भी आपने करना है, इसमें नो कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रहते हैं रेंट का रूम है, तो और जितने भी पाकिस्तानी इंडियन जितने भी लोग हैं ओवरसीज़, उन्होंने रेंट पे लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह खरीद नहीं सकते।
तो फ्रेंड मैं इधर जो जैसे जैसे आपकी कंडीशन है उसमें लिख देता हूँ। तो आपने जो आपका पास होगा आपने वो लिख लेना, इसके बाद जहाँ मैंने मेल लिख देना लिख देनी है जो मेरे पास मेल होगी मेरी अपनी ओरिजिनल। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे मेल लिख देनी है, मेल लिखने के बाद फ्रेंड नेक्स्ट कर देना। जैसे नेक्स्ट करूँगा तो मैं बता देगा कि हमारा ये सब कुछ ओके है, तो उसके बाद भी नया पेज खुलेगा। तो फ्रेंड आप दे सकते हैं कोई एरर हो तो एरर बता देता, लेकिन हमारा जो हमने फिल किया वो एकदम करेक्ट है। ये देखें अभी वो कह रहा है कि SMS जो हमने उधर नंबर लिखा था उसी पे SMS चाहिएगा, वो कहता है वो SMS। तो यहाँ पे हमने SMS लिखना है। ओके फ्रेंड जो मैसेज आया हुआ है आपके पास वो लग रहा है मेरे पास ये नंबर आया हुआ है, तो मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ये देखें फ्रेंड ये बिल्कुल हमारा एड्रेस अभी बन चुका है, इसको अब हमें रजिस्टर करना है। उसके लिए से पहले मैं क्या करता हूँ इसकी स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अपने पास रिकॉर्ड के लिए। तो मैंने ये कॉपी कर लिया फ्रेंड अपने पास में रख लिया ये कि मेरे पास भी नेशनल एड्रेस हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप ना रखें या ना रखें आपकी विशा, लेकिन मैं वैसे रख लेता हूँ अपने शो के लिए। तो फ्रेंड तो मैंने ये सेव कर लिया। उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर जैसे रजिस्टर करेंगे तब ये देखें थैंक यू फॉर नेशनल एड्रेस, ये बन गया आईडी। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी